हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये हमारा है वोल्टमीटर। आपके पास में अगर बैटरी है 2 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक, उसे आप लोग चेक कर पाओगे इस वोल्टमीटर से। बनाना बहुत सिंपल है और इस वीडियो में इसका कनेक्शन डायग्राम दिखाया हूँ, बिल्कुल आप बहुत जल्दी से बना सकते हो। ये 10 से 15 मिनट में बन जाता है। तो चलो करते हैं इसका मेकिंग वीडियो शुरू।
फाइनल कंप्लीट होने के बाद में हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये हमारा जो वोल्टमीटर था, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो नंबरिंग में जो यहाँ पर किया हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 कुछ इस तरीके से मैं किया हूँ। तो चलो इसमें टेस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा बैटरी लिया हूँ गाइस, इसका वोल्ट आपको पता होगा। तो यहाँ पर लिखा है 3 वोल्ट, ये हमारा नॉन रिचार्जेबल है। पहले इसे हम टेस्ट करके देखेंगे, मैं काफ़ी बार इसमें यूज कर चुका हूँ, देखता हूँ इसमें अभी कितना वोल्ट है इसके अंदर में। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर एक LED शो हो रहा है, तो ये हमारा इसके अंदर में 2 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर 3 वोल्ट मार्किंग किया गया है। अभी इसके अंदर में जो वोल्ट है वो हमारा है 2 वोल्ट है। इसके बाद में मेरे पास में लिथियम आयन बैटरी, इसका हमें वोल्ट चेक करना है। तो मैं इसे यहाँ पर फटाफट कनेक्शन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर एक इंडिकेटर शो हो रहा है, मतलब कि अभी जो चार्ज है 2 वोल्ट है। अगर हमारा इस बैटरी के अंदर में 3 वोल्ट रहेगा तो हमारा एक ही LED जलेगा, देख सकते हो ये यहाँ पर एक जल रहा है। अभी हमें क्या करना है ना, इन दोनों बैटरी को एक साथ में सीरीज करके चेक करना है। तो मैं यहाँ पर सीरीज कर रहा हूँ इन दोनों बैटरी को, तो देखते हैं कितना अभी चार्ज है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर डबल LED जल रहा है, मतलब कि इसके अंदर में अभी जो वोल्ट है ना वो 5 वोल्ट है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको 4, क्योंकि इसके ऊपर में हमारा जब 6 होता तो 6 वाला LED जलता। तो मैं अभी दो बैटरी को यहाँ पर सीरीज में कनेक्शन किया हूँ, इसके बाद हमारा 2 LED यहाँ पर जल रहा है। इसके बाद में चलो चेक करते हैं हमारा 12 वोल्ट बैटरी को। ये मेरा लिथियम आयन बैटरी है, इसे मैं खुद से बनाया था, अगर बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। और इसका मेकिंग वीडियो का जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप लोग बना सकते हो देखकर। तो इसमें बहुत कम चार्ज है, मतलब कि मैं इसे चेक किया था तो इसका जो चार्ज है ये कुछ हमको दिखाई देता था 6 वोल्ट दिखाई देता था, लेकिन हमें चेक करके देखना है कि कितना वोल्ट अभी है इसके अंदर में। तो मैं यहाँ से इसके साथ इस तरह से कुछ कनेक्शन कर रहा हूँ और गाइस देख सकते हो मैं बोला था ये 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 6 LED हमारा ऑन हो चुका है, मतलब कि 3 LED यहाँ पर ऑन है। अब इसके अंदर में जो वोल्ट है वो हमारा है 6 वोल्ट। मेरे पास में एक 12 वोल्ट का चार्जर है, इसमें लगा कर देखते हैं कि इसमें कितना अभी वोल्ट जो है ना आता है। तो मैं इसके आउटपुट का साथ में इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, इसका पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में और हमें नेगेटिव को नेगेटिव के साथ में कनेक्शन करना है। इसके बाद में चेक करना है इसके अंदर में कितना वोल्ट दिखा रहा है। तो करता हूँ यहाँ से ऑन, तो देख सकते हो यहाँ लगा हमारा LED जो है ना वो यहाँ पर शो हो रहा है, रेड कलर का जो LED देख सकते हो हल्का हल्का ग्लो कर रहा है यहाँ पर, बाकी का जो LED है पूरा यहाँ पर ब्राइटनेस के साथ में ग्लो हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो 12 के पास में एक LED जो है ना वो रेड कलर का यहाँ पर ये ऑन है, मतलब कि ग्लो हो रहा है, जल रहा है LED। तो यहाँ पर देख सकते हो इस SMPS का जो वोल्ट है वो हमारा है 12 वोल्ट। कुछ हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं अपने बैटरी को। तो गाइस ये वाला आपको जो वोल्टमीटर कैसा लगा मुझे कमेंट में बोलना, क्योंकि ये काफ़ी छोटा साइज में है और देख सकते हो मेरे हाथ का इतना बड़ा साइज का ये हमारा वोल्टमीटर है। आप लोग कहीं पर भी इसे रख सकते हो, पॉकेट में कैरी करके भी कहीं को लेकर जा सकते हो वोल्ट चेक करने के लिए। बाकी गाइस ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बोलना। अगर आपके पास में कोई ऐसा प्रोजेक्ट का बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं उस प्रोजेक्ट को बनाने का कोशिश करूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।